बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनाया एजाज। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उसे बर वक्त मिल सके। ओके, हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे। इसका नाम है म्यूसिन विटामिन सी सी क्रीम। इसकी इस तरीके से पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये जो है वो गोल्डन कलर की जो पैकेजिंग में है। उस मैंने इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले मंगवाया था और ये मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर रिव्यू किया जाए। ओके, म्यूसिन इस जर्मन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से इनकी वेबसाइट है। इस तरीके से इनका फ्लायर बना हुआ था और इसमें मुझे ये रिसीव हुई थी, म्यूसिन विटामिन सी सी क्रीम। अच्छा, इसमें क्लेम करते हैं कि इसमें विटामिन सी है और इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया गया। ओके, इसको ओपन करके चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग में है, बहुत ही खूबसूरत सा जार बना हुआ है जो जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट को भी यूज़ किया गया है और इसकी जो पैकेजिंग है वो जो इसकी लिड है वो हमने इसको यूज़ किया गया प्लास्टिक में यूज़ किया गया है और इसमें विटामिन सी यूज़ किया गया और ये क्लेम करते हैं कि ये आल स्किन टाइप के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा साइड से कर लेती हूँ। इसको हम ओपन करके देखेंगे कि ये किस तरीके का है, इसका टेक्सचर है। ये इस तरीके का टेक्सचर है इसका, ये चेक करें। ये बेसिकली फाउंडेशन टाइप है और हम एक एक चीज़ ये है कि ये कोई भी कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं वो इसको इजीली जो है वो लगा सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं और जिनके पास टाइम कम होता है वो लगा सकते हैं। अच्छा, हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे अपनी स्किन पे कि ये स्किन पे किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है और कितना टाइम लेती है। मैं आपको एक हाथ पे चेक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाए। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत इजीली ये जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर और बहुत जल्दी हो जाती है। ये चेक करें, काफ़ी इसकी अच्छी कवरेज है, मतलब अच्छे तरीके से ये अब्सॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। अगर देखा जाए, ओवरऑल बात की जाए तो ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। मैंने मतलब जितने दिनों से इस्तेमाल किया है इसे, मेरे लिहाज से तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी रही है मुझे। मतलब इजी रहा है मेकअप करना भी इसको लगा के। जस्ट मैंने क्या किया है कि टिंट वगैरह लगा लिया है, यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की। तो ये मेरे लिए एज अ फाउंडेशन, एज अ विटामिन सी क्रीम और सी सी क्रीम ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी रही है। जहाँ तक बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो है इसकी 1650 है और इसमें एक ट्यूब फॉर्म में भी आती है, उसकी प्राइस 1450 तक है। डिस्काउंट में मैंने ये प्रोडक्ट ली थी, हो सकता है अब प्राइजेज़ जो हैं अप डाउन हुई हों, मुझे इसका आइडिया नहीं है। बाकी मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी को चाहिए हो तो वो लिंक से इजीली बाय कर सकता है। सेकंड चीज़ ये कि अगर किसी ने इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ किया है तो वो मुझे कमेंट में अपनी राय दे सकता है और बता सकता है कि किस तरीके से मतलब इस प्रोडक्ट ने अफेक्ट किया है। मेरे लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी रही है। रेटिंग अगर दूँ मैं इसको तो 9 out of 10 दूँगी, ताकि मतलब ये इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी कवरेज रही है, काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन मैं इसको ये कहूँगी, इस प्रोडक्ट के बारे में ये कहूँगी कि ये आल स्किन टाइप के लिए नहीं है। अगर किसी का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो ये उसके लिए प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो कवरेज है अगर देखा जाए इसकी जो बहुत लाइट कलर है, तो इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत डार्क कलर पे या डार्क कंप्रेशन पे इस जो है ये वर्क करेगी। मेरी तरफ से ये मतलब रिकमेंडेड है प्रोडक्ट,
बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर किसी ने यूज़ किया है तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।